class today I will discuss on merchant circuit diagram. Merchant circuit diagram को discuss करने से पहले हमें उसके assumptions के बारे में बात करना पड़ेगा कि assumptions क्या है merchant circuit diagram के. अच्छा, अब assumption पे तो हम लोग बात करेंगे. general idea हम पहले देना चाह रहे हैं कि merchant circuit diagram basically है क्या. मर्चेंट सर्किट डायग्राम को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि द फर्स्ट साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट एंड मर्चेंट. अर्नेस्ट एंड मर्चेंट वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक आइडिया एक प्रपोज किया. उसमें क्या उन्होंने कहा कि आइडलाइज्ड सिंगल सीयर प्लेन की थ्योरी उन्होंने दी. तो आइडलाइज्ड सिंगल सीयर प्लेन की थ्योरी क्या कहता था, वो क्या, उसका क्या यूटिलाइजेशन था, उसका क्या इफेक्ट था, वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में हम ऐसे कहेंगे कि एडलाइज सिंगल सीयर प्लेन मॉडल जो है वो ये प्रिडिक्ट करता था कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पावर कंजम्पशन कितना होगा किसी मशीनिंग के दौरान. इसका मतलब किसी भी मशीनिंग के दौरान पावर कंजम्पशन कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी ये पता लगाने के लिए मर्चेंट अर्नेस्ट एंड मर्चेंट ने एक थ्योरी प्रपोज की, है ना. वो क्या कहलाया, वो मर्चेंट सर्किट डायग्राम कहलाया. बेसिकली मर्चेंट्स ने प्रपोज किया इसलिए उसका नाम मर्चेंट सर्किट डायग्राम पड़ा. और वो उस थ्योरी को आगे ले जाने के लिए, इस थ्योरी को समझाने के लिए एक डायग्राम का हेल्प लेना पड़ा, इसीलिए इसको बोला गया मर्चेंट सर्किट डायग्राम. ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये मर्चेंट सर्किट डायग्राम, ये देख रहे हैं, ये डायग्राम है मर्चेंट सर्किट डायग्राम. ये मर्चेंट सर्किट डायग्राम इस बेसिक डायग्राम से बना हुआ है, जो कि एक डायग्राम ऑफ चिप है. ये फोर्सेज इन चिप फॉर्मेशन, चिप जो फॉर्म हो रहा है वहाँ डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस कौन लग रहे हैं इसके बारे में एनालिसिस किया गया है और उसको एक सर्किल के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है. तो इसीलिए इसका नाम पड़ा मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम. ये तो मर्चेंट सर्किल डायग्राम लिखा है, आप चाहे मर्चेंट सर्किल डायग्राम कहिए चाहे मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम कहिए, चूंकि इसमें फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए हम कहेंगे मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम. इसकी मदद से इन्होंने क्या किया, पावर कंजम्पशन फाइंड आउट किया, कि प्रिडिक्ट किया कि अप्रॉक्सीमेट पावर कितना कंज्यूम होता है मशीनिंग के दौरान. ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए मर्चेंट साहब ने एक अपनी थ्योरी दी. अच्छा, इसी तरीके की थ्योरी और लोगों ने भी दी बाद में, एडलाइज केस ऑफ सिंगल सीयर प्लेन के बारे में और लोगों ने भी बताया, जैसे ली शैफर बताए, स्टेबलर बताए. लेकिन चूंकि सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और ये सफिशियंट है आपका मर्चेंट का थ्योरी, इसलिए हम लोग मर्चेंट फोर सर्किल डायग्राम की एनालिसिस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं. बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में सफिशियंट है मर्चेंट का जो थ्योरी है आइडलाइज सिंगल सीयर प्लेन को मतलब एक्यूरेटली बताने के लिए, कैरी करने के लिए ये इनफ है उसको समझाने के लिए और प्रिडिक्ट करने के लिए कि पावर कंजम्पशन कितना होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए मर्चेंट का ये थ्योरी सफिशियंट है. ठीक है, तो ये बात हुई कि मर्चेंट सर्किल डायग्राम क्यों नाम रखा गया. फिर मर्चेंट ने उस सर्किल की मदद से एक डायग्राम को रिप्रेजेंट किया. उस डायग्राम के हेल्प से आपने क्या किया, जो पावर कंजम्पशन है वो प्रिडिक्ट किया, वो अप्रॉक्सीमेट उसकी वैल्यू फाइंड आउट किया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम. ठीक है, अब बात करते हैं कि एजम्पशन, मर्चेंट सर्किल डायग्राम में एजम्पशन क्या है. तो एजम्पशन देख लेते हैं, एजम्पशंस ऑफ मर्चेंट सर्किल डायग्राम क्या एजम्पशन है. पहला एजम्पशन देखिए, द टूल इज परफेक्टली शार्प, टूल जो है वो परफेक्टली शार्प होना चाहिए एंड देयर इज नो साइड फ्लो ऑफ द चिप, चिप जो फ्लो हो रहा है उसका साइड फ्लो नहीं होना चाहिए. ठीक है, सेकंड है द प्राइमरी डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस
इन अ वेरी थिन जोन एडजेसेंट टू द शियर प्लेन. शियर प्लेन के एडजेसेंट ही प्राइमरी डिफॉर्मेशन होना चाहिए और वो भी बहुत थिन जोन में होना चाहिए. कहने का मतलब है जो एक हम जोन की बात कर रहे थे प्राइमरी शियर जोन, उसके बाद हम कह रहे थे कि नहीं ये जोन ना हो कि ये प्लेन है, तो उसी को ये कहा गया कि वो जो जोन है वो बहुत पतला होना चाहिए क्योंकि अभी हम उस पर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन वगैरह फिट कर रहे थे, तो उसको हम लोग प्लेन ट्रीट किया था. तो वाकई वो बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए. इन्होंने अज्यूम किया है कि द प्राइमरी डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ वेरी थिन जोन एडजेसेंट टू द शियर प्लेन. ठीक है, द डेप्थ ऑफ द कट इज कॉन्स्टेंट. डेप्थ ऑफ कट आपका कॉन्स्टेंट है, उसमें वेरिएशन नहीं है. फोर्थ पॉइंट है विड्थ ऑफ द टूल इज ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द वर्क पीस. टूल का विड्थ ज्यादा होना चाहिए वर्क पीस से. ठीक है, वर्क मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वर्क का मूवमेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है अ कंटिन्यूअस चिप इज प्रोड्यूस्ड विथ नो बिल्टअप एज. बिल्टअप एज का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, और चिप जो फॉर्म होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेसेस या स्ट्रेस ऑन द शियर प्लेन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए. ठीक है, तो ये एजम्पशंस हैं. इन एजम्पशंस को लेके आगे चलेंगे और इन एजम्पशंस के मदद से आप मर्चेंट सर्किल डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसके हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के बीच में इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे और ये प्रिडिक्ट करेंगे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पावर कंजम्पशन कितनी होगी मशीनिंग के दौरान. ठीक है, तो मशीनिंग के दौरान अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पावर कंजम्पशन फाइंड आउट करने के लिए मर्चेंट सर्किल डायग्राम का यूज किया जा रहा है और साथ ही साथ फोर्सेस के बीच में इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए किया जा रहा है. और मर्चेंट साहब ने जो अपना रिलेशनशिप दिया उसमें जो फाइनल उनका रिजल्ट आया वो आया 2 फाई प्लस लेमडा माइनस अल्फा इज इक्वल टू फाई बाई टू. यहाँ पे फाई आपका शेयर एंगल है, अल्फा आपका रेक एंगल है और लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है. तो पाई बाई टू ये 90 डिग्री है ना, ये चीज है. तो ये रिलेशनशिप फाइंड आउट किया गया, इसको मर्चेंट का फर्स्ट सॉल्यूशन कहा गया. मर्चेंट ने एक और सॉल्यूशन दिया जिसको बोला गया मर्चेंट सेकेंड सॉल्यूशन. वो क्या था, वो था 2 फाई प्लस लेमडा माइनस अल्फा इजक्वल टू सी एम. और जहाँ पे सी एम क्या कहलाता है, मशीनिंग कांस्टेंट कहलाता है. ठीक है, तो ये चीज़ें थी सेकंड सॉल्यूशन. अभी हम लोग केवल मर्चेंट का फर्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे और उसमें भी सबसे पहले हम लोग एजम्पशन के ऊपर बात किए हैं कि क्या एजम्पशन होगा. उन एजम्पशंस को कंसिडर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. ये मानेंगे कि भाई ये चीज़ें मर्चेंट सर्किल डायग्राम को ड्रॉ करते टाइम ये मानेंगे कि ये अवेलेबल हैं और ये एज्यूम करते हुए चलेंगे कि भाई टूल परफेक्टली शार्प है, कोई साइड फ्लो नहीं हो रहा है, प्राइमरी डिफॉर्मेशन जो हो रहा है वो ब्रीथिंग जोन में हो रहा है, एडजस्टेड टू द शियर प्लेन, डेप्थ ऑफ कट आपका कॉन्स्टेंट है, विड्थ ऑफ द टूल ज़्यादा है. ठीक है, विड्थ ऑफ द टूल इज ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द वर्क पीस. वर्क मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वर्क पीस का मूवमेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो रहा है और बिल्ट अप एज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और कंटिन्यूस आपका चिप का फॉर्मेशन हो रहा है. स्ट्रेस इन द शियर प्लेन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये चीजें हैं जो मर्चेंट सर्किल डायग्राम के एजम्पशन में आती हैं. तो ये एग्जाम में कभी कभी मर्चेंट को सर्किल डायग्राम का एजम्पशन भी पूछता है, तो इसलिए आप, और वैसे भी अगर मान लिया आप प्रूफ करने जा रहे हैं मर्चेंट सर्किल डायग्राम, तो आपको एजम्पशंस के बारे में लिखना पड़ेगा कि क्या एजम्पशंस मर्चेंट सर्किल डायग्राम को ड्रॉ करते टाइम आपको क्या चीज एज्यूम करके चलनी होगी. ठीक है, उन एजम्पशंस के आधार पे आप आगे बढ़ेंगे और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे और साथ ही साथ पावर कंजम्पशन को प्रिडिक्ट करेंगे कि किस पावर कंजम्पशन पर
मतलब मशीनिंग के दौरान मिनिमम पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है, ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रूफ।